पहला कार्ड जो आपके पर्सन के लिए आया वो है स्क्रैबस कार्ड, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेफिनेटली वो आपके जो पर्सन है, जब आप उनसे कांटेक्ट में थे तब से अब में, उनमें डेफिनेटली बिग चेंजेस उनके अंदर जरूर से आए हैं। ये किसी न किसी नए आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ज्यादा धन कमाने की, ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने की, ज्यादा समाज में नाम कमाने की, इस तरह की मतलब मटीरियल चीजों में ज्यादा स्टेबल होने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हालांकि इनमें स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी फिजिकल और मटेरियल लाइफ को भी बेहतर बनाने पर ये काम कर रहे हैं। इनका कुछ पास्ट में कुछ अगर इनका फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, कोई मे बी करियर में नुकसान हुआ होगा, तो उसको भी ये उस नुकसान से भी बाहर निकलने की, वापस अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पुराने रिलेशन, जो पुराने रिलेशन खराब हो चुके थे उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए रिलेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नए रिलेशन बनाने पर नए रिलेशंस को नर्चर करने की बजाय पुराने रिलेशंस को नर्चर करने की और उनको निभाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग का भी प्लान बना रहे हैं, कहीं बाहर जाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रीवियसली शायद अगर ये अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो अभी अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्दी खाना खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना, इस तरह का भी ये काम कर रहे हैं। और वैसे ये अपनी लाइफ में काफ़ी बदल गए हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले लापरवाह तरह के होंगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते होंगे, तो वो अभी दे रहे हैं। मे बी किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन करना, योगा, एक्सरसाइज करना, ये भी इन्होंने शुरू किया है। और इस वजह से इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स इनके अगेंस्ट भी जा रहे होंगे कि इनका नया नेचर, इनका नया वे ऑफ लिविंग, नया लाइफस्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, फैमिली के लोगों को। तो फिर भी ये उन लोगों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जिस तरीके से पहले जीते आए थे उससे कोई अलग तरह का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, भले इनकी फैमिली मेंबर्स को ये बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरा जो हमारे पास कार्ड है, विल, विजडम एंड माइंड कार्ड है। देखिए ये भी वही बात कह रहा है, विजडम और माइंड की बात कर रहा है। तो ज़्यादा माइंडफुल जीना, ज़्यादा समझदारी के साथ जीना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना शुरू करना, इस तरह का ये काम कर रहा है। और इसके लिए जिस तरह की पावर की जरूरत होती है, सेल्फ एम्पावरमेंट की जरूरत होती है, इसके लिए सेल्फ बैलेंस की जरूरत होती है, वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की एनर्जी में आने के लिए काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, अनुशासित जीवन जीने की जरूरत होती है, तो वो भी ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश, फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश, फैमिली अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उठाना, इस तरह की इन्होंने शुरुआत कर दी है, अगर ये पहले नहीं करते थे तो। और अगर पहले भी करते थे तो अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। और वैसे ये किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर, ये भी हो सकता है जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में हो जहाँ लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी हो, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना इनकी ड्यूटी हो, या फिर ये किसी तरह के सोशल सर्विसेज के अंदर हो, मतलब लोगों के भलाई के लिए, लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, लोगों एक लॉ एंड ऑर्डर समाज में मेंटेन रहे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उस तरह की किसी या तो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या उस तरह की किसी बिजनेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या उस तरह की किसी नौकरी में है, वहाँ पर पूरा ध्यान देकर जिम्मेदारी के साथ उस काम को करने की कोशिश करें। जैसे आर्मी फोर्सेस होते हैं, जैसे रेस्क्यू फोर्सेस होते हैं, उस तरह के अप्रोच इनकी हो गई है। मतलब बहुत ही जिम्मेदाराना और जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार एक घर के मेंबर की तरह, और जिम्मेदार स्पाउस की तरह, जिम्मेदार पति, जिम्मेदार पुत्र की तरह, जिम्मेदार पत्नी की तरह, जिम्मेदार बेटे बेटी की तरह, इस तरह से इनका अप्रोच चेंज हो रहा है। लापरवाही जो केयरलेसनेस जो इनकी थी वो ख़त्म हो रही है, और ज़्यादा वाइज स्वभाव इनका बदल रहा है। और ये भी रेस्क्यूअर कार्ड भी हमारे पास यहाँ पर, इस पर भी ये लिखा है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस। अगर कोई लोग परेशानी में हैं, दुखी हैं, तो उनको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हों, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की भलाई का काम करने में ये लगे हुए हों, इस तरह का कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। और ये जो कार्ड है हमारे पास, सरेंडर योर फियर टू इंटीमेसी, इनके जो करंट पार्टनर होंगे, स्पाउस मेल या फीमेल जो भी होंगे, ये उनके साथ में अपने रिलेशंस को ठीक करने की, खासतौर पे इंटीमेट रिलेशंस को ठीक करने की, या सेक्सुअल रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे,
मतलब अगर पहले इनका आपने किसी पार्टनर के साथ कुछ फिजिकल डिस्टेंस आ गया होगा तो उस डिस्टेंस को फिर से पार्टनर की या उस पुराने प्रॉब्लम्स को ठीक करने की, सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखो सेम कार्ड हमारे पास यहाँ पर भी, आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक कपल है, हाथ में हाथ पकड़ के इस तरह से कपल है, और यहाँ पर देखिए ये सेम एनर्जी है। तो ये जिन जिन भी के साथ में ये कमिटेड है, उनके साथ में अपने कमिटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बैक साइड पर भी आप देखेंगे तो दो लेडीज़ हैं जो पानी भर के फ्रेंड्स की तरह दिख रहे हैं, काफ़ी चाइल्डहुड बडीज़ या बहुत पक्की सहेलियों की तरह आपको ये दिख रहे हैं। तो ये अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जहाँ कोवर्कर्स के साथ, जहाँ पर भी इनके रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंटीमेट होने की, लोगों के क्लोज आने की, लोगों के साथ एक केयरिंग, एक लविंग बॉन्ड बनाने की ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके उनके जो लोग हैं, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, अगर वो परेशानी में है तो उनको हेल्प पहुंचाने की, उनका सपोर्ट बनने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव है। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। डॉक्टर पुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये पुंजन का जो चक्रा हीलिंग का, 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। मत सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।